केंद्र सरकार के अंतिम बजट को अखिलेश यादव ने कंफ्यूजिंग बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसान और नौजवान के हाथ में कुछ भी नहीं आया। 10 साल बाद आखिरी बजट से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार का बजट ने भी सभी को निराश किया। उन्होंने कहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा हो, वो देश खुशहाल कैसे होगा जब तक विदेश से ही सारा सामान मांगते रहेंगे। हमारे यहाँ उद्योग और कारखाने नहीं लगेंगे तब तक हमारे लोगों को बढ़ावा कैसे मिलेगा, इसलिए सरकार को इस तरफ कुछ कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं हुआ। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है। नीतीश कुमार उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को बजट कैसा रहा है? बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है, गरीब और किसान के हाथ में नहीं है और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी किस तरह से, लेकिन जो बजट इतना बड़ा था वही बजट जो दुनिया में अपने आप को विकसित भारत बनाने का संकल्प दे रहा है। 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो वो देश कैसे खुशहाल होगा। बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है? और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेश से सब सामान मंगाने लगोगे तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा? इसे सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े दलित भाई, अगड़े आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहाँ बनेगा, कौन पहुँचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन